बोलो जयकारा शेरावाली का, बोलो सच्चे दरबार की। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही होगा कि आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और माता रानी के कलश की स्थापना करनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है। और ये मैंने चौकी ले ली है और इस पे मैंने पिंक कलर का कपड़ा चढ़ा दिया है। और आपके पास अगर रेड कलर का कपड़ा है तो आप रेड कलर का कपड़ा भी इस पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। रेड कलर तो बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हमें माता रानी की मूर्ति रख देनी है यहाँ पे। तो और उसको हम चुनरी उड़ा देंगे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे पास एक छोटा सा गणेश जी है। और ये देखो, कपड़े लगाने के बाद में हमें इस तरह से इसको बांध देना है धागे की सहायता से। यहाँ पे जो है चंदन के गणेश जी हैं हमारे पास, और यहाँ पे मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है। और ये है हमारे ओम है यहाँ पे। तो और हमें क्या चाहिएगा, तो इसके लिए हमें धूप चाहिएगी, अगरबत्ती हो या आपके पास धूप बत्ती हो। तो मैंने एक कलश की स्थापना कर दी है यहाँ पे। तो मैंने एक लोटा ले लिया है, आपके पास पीतल का लोटा है या स्टील का लोटा है आप उसको भी भरकर रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से मिट्टी का जो कलश होता है उसको भी ले आ सकते हैं। और उसी के साथ नारियल ले लेंगे, चुनरी, तो चुनरी को इसको अच्छे से इसमें लगा देंगे और ऊपर से इसके ऊपर कलावा भी लगा देंगे। तो ऊपर मैंने इसके जो है गुलाब की को भी अर्पित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, और क्या चाहिएगा हमें इसके लिए, ये चाहिएगा हमें, ये है मिट्टी का बर्तन मैं लेके आई थी और इसमें मिट्टी है। और इसी के साथ इसमें है ना हमने जौ डाल रखे हैं, तो हमारी जो है ये खेतरी है, तो इसको हमें उगाना है, ये 9 दिन तक हमारे इसमें रहेगी। ओके, और इसके लिए और हमें क्या चाहिएगा, देखो ये शहद है और लौंग है, रोली है, मोली है और प्रसाद। प्रसाद आप, अगर आपके पास पंचमेवा है तो आप पंचमेवा रख सकते हो, और भी अच्छा है। और ये है कपूर, कपूर भी है, तो इसके लिए हमें ये चाहिएगा सभी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, और अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम आरती कर लेंगे। उसके बाद में पहले पूरा जो है हम जो नवरात्रि का जो कहानी है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसकी आरती होगी। तो मैं आज आरती नहीं कर रही, अभी एक मैं आपको भजन सुनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा आपको मेरा जो भजन है कैसा लगा है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आज आपको एक भजन सुनाने वाली हूँ, तो आप एक बार सभी मिलकर जयकारा बोल दीजिए। बोलो जयकारा शेरा वाली माता का, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा आपको ये भजन कैसा लगा है। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार, करो माँ मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ शेरावाली, निर्देश संसार में पलटा तो मेरी भी।
जयकारा शेरा वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय।